लोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। भगवान शिव पे या भगवान शंकर पे या शिव तत्व की साधना के बारे में कुछ आपकी क्या राय है, या क्या एक्चुअली में भगवान शिव की या भगवान शंकर की क्या साधना जो करते थे वो खुद या वो जो देना चाहते थे संसार को, उसके उस विषय पे कुछ प्रकाश आप डालिए। देखो, भगवान शंकर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर आदमी समझे तो सभी साधना पद्धतियों के संबंध में हर चीज साफ हो सकती है। हिंदू धर्म में हमने तीन देवी देवताओं को बहुत गहरे में देखा, बल्कि तीन देवताओं, तीन मुख्य देव कहे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमने ब्रह्मा जी को अगर देखो थोड़े से, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो पुस्तक के साथ देखे जाते हैं, कमल के साथ देखे जाते हैं, कमल के ऊपर बैठे देखे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो है वो एक स्वरूप है। उसके बाद अगर विष्णु को देखो तो शेषनाग की सैया पे लेटे देखे जाते हैं, लक्ष्मी के साथ देखे जाते हैं ये, और फिर उनके हाथ में सुदर्शन है और भी इस तरीके की चीजें हैं जो लग्जरी से रिलेटेड है, ताकत से रिलेटेड है। अभी शंकर को देखो, शंकर की अगर मुख्य पहचाने हम कहें, सांप से लिपटे देखे जाते हैं, शेर की खाल पे बैठे देखे जाते हैं, अघोरियों की संगत में देखे जाते हैं, बैल जैसी इसकी सवारी करते हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि एक व्यक्ति था शंकर जिसका नाम था, उसने एक साधना की शिव तत्व की, और उस साधना के माध्यम से उस साधना पे उसने पूरा कंट्रोल किया, इसलिए हमने उसे शिव की उपाधि दी। जैसे कोई समझे तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो था वो एक युवक था, एक राजा का लड़का था, लेकिन उसने साधना के माध्यम से बुद्ध तत्व को कंट्रोल किया। बुद्ध तत्व की प्राप्ति के बाद हमने उसे बुद्ध कहा, ऐसे शंकर नाम के व्यक्ति को हमने शिव कहा। यहां पे अक्सर मैं देख रहा हूं आज बहुत से लोग साधना करते हैं, पूरी पूरी पृथ्वी पे सारक फैले पड़े हैं। आज की तारीख में तो कमाल की बात यह है, टीवी चैनल से लेके और आपके पार्कों तक में साधना चल रही, यूं तो बड़ा अच्छा ये दौर है कि जिस दौर में इतने सारे लोग धर्म की ओर आकर्षित हैं, लेकिन सबकी हालत खराब है। साधक मुझसे ये ना कहे, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास आए, लेकिन अगर अपने अंदर से सोच के देखे तो उसको पता लगेगा कि वो जिस चीज की साधना जिस चीज के लिए कर रहा है वो उसको उपलब्ध नहीं है। लगभग सभी साधकों की यही हाल है, लेकिन झूठी झूठी चर्चा इतने दिन से हो गई, झूठा झूठा जीवन इतने दिन से लद गया कि अब वो ये बताने में भी शर्म महसूस करते हैं कि अभी तक उनको कुछ भी नहीं पाया। मैं देखता हूं फेसबुक पे बुद्धत्व की पोस्टें डाल रही हैं और बुद्धत्व का छोटी सी झलक भी नहीं है उनके पास, सब लोग डाले पड़े पोस्ट, नीचे बस अपने गुरु का नाम लिख देते हैं उस पोस्ट के नीचे। अगर किसी भी व्यक्ति को वो जो लिख रहा है अगर उससे उसके जीवन में रूपांतरण नहीं हुआ उस बात का जिस बात को वो लिख रहा है, तो फिर गुरु के नाम का लिखने की फायदा क्या है, पर तो तुम बदनामी कर रहे हो गुरु के नाम की। और यदि तुम्हें कुछ हो गया है तो फिर गुरु के नाम के डालने की जरूरत क्या है, तुम अपना नाम डालो। तो ये कंफ्यूजन है, ये कहीं ना कहीं भटकाव है, तो इस भटकाव को अगर शंकर को हम समझें तो बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ जीवन के तीन आयाम हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीन देवता। जनरेटर जो जीवन को चलाते हैं उनको हम ब्रह्मा जी मान लेते हैं, ऑपरेटर जो उसको पूरा जीते हैं वो हम विष्णु मान लेते हैं, और शिव हम जो है डिस्ट्रॉयर को मान लेते हैं जो विध्वंसक है। तो जीवन की तीन बड़ी ऊर्जाएं हैं, एक जो सृजन करती है, एक जो उसको चलाती है और एक जो उसको नष्ट करती है, आरंभ, मध्य का और अंत का। ये तीन ही ऊर्जाएं बड़ी ऊर्जाएं हैं इस जगत को संभाले। तो शिव तत्व की अगर कोई साधना करे तो उसको लग्जरियां भूलनी पड़ेंगी, और लग्जरी के साथ क्या करेगा वो, जीवन के तथाकथित ज्ञान का क्या करेगा। आपको मालूम हो शायद कि जब चौथा वेद लिखा गया था तो चौथे वेद की एक तरीके से अप्रूवल के लिए जिन्होंने लिखा था वो शंकर के पास पहुंचे थे अप्रूवल लेने, और शंकर ने कोई वेद नहीं पढ़ा, उन्होंने पहले के भी वेद नहीं पढ़े, तो चौथे वेद की अप्रूवल की उनकी क्या जरूरत। लेकिन नहीं, जो लिखा पढ़ा जा सकता है वो सब बहुत छोटा है मृत्यु के आगे, क्योंकि शिव की साधना उस अंतिम तत्व की साधना है जो उन दो तत्वों से गुजर के आता है। ब्रह्मा सबसे कम पूजे जाने वाले देवता है, दूसरे नंबर पे विष्णु है जो थोड़े ज्यादा पूजे गए, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों ने पूजा शंकर। इन तीन देवताओं में सबसे ज्यादा शंकर की आराधना होती है। उसका रीजन यही है कि ये दो तत्वों के आगे की बात है। मृत्यु के लिए जीवन का अनुभव भी चाहिए, जन्म का भी अनुभव चाहिए, लेकिन जन्म के लिए जरूरी नहीं मृत्यु का अनुभव चाहिए। हाँ, वो फिलोसफिकली लोग कहने लग जाएंगे मरोगे तभी तो जन्म लोगे, लेकिन ऐसा नहीं, सृष्टि में कभी तो आरंभ हुआ होगा, वो मृत्यु से पहला ही आरंभ था। हम तो उस तत्व की बात कर रहे हैं जो सबसे पहला आरंभिक तत्व है। आरंभिक तत्व के पास नॉलेज की कमी है, संकल्प की कमी है, वो सिर्फ आतुर है फैल जाने को। इसीलिए आप अगर ब्रह्मा को देखो तो ब्रह्मा जो है वो उनसे कितने सारे बालकों का जन्म हुआ, वो कमल के साथ सो गए, किसी के साथ सो गए, कभी धरती पे उनका अंश गिर गया वीर का, कभी कहीं गिर गया। यूं तो हम देवता को देख के बदनामी कर सकते हैं कि एक देवता और जहां देखो उसका स्खलन हो जाता है, लेकिन उसको तुम देवता, जन्म का देवता समझो ना। अब जन्म का देवता का स्खलन नहीं होगा तो और क्या होगा। जन्म के देवता को क्या तुम शमशान पे देखना चाहोगे, जन्म के देवता को क्या तुम चाहोगे कि शमशान घाट में बैठा जल रहा हो, नहीं, वो जन्म के देवता है, उनकी भूल चूक माफ की जा सकती है। आपका ब्रह्मा को हम माफ कर सकते हैं कि उनसे कहां क्या हुआ, ब्रह्मा को थोड़ी नॉलेज कम है, वो लिख तो देते हैं अपनी संभावनाएं, फिर जब फंस जाता है झंझट तो आते शंकर के पास ही निपटाने, या विष्णु के पास आते हैं, बहुत सी बातें विष्णु ही संभाल लेते थे। फिर विष्णु का तत्व है, विष्णु का तत्व देखो ना, उन्हें कोई लेना देना नहीं तुम्हारे आरंभिक ज्ञान से, वो बिल्कुल सदे हुए हैं। लेकिन तीन चीजें उनकी पहचाने हैं, एक तो उनके हाथ में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं वो लग्जरी और ताकत का प्रतीक, जीवन को लग्जरी और ताकत की जरूरत है। शेषनाग की सैया पे लेते हैं, इसके अलग अलग मत लगाए लोगों ने, मेरा मत यह है कि शेषनाग की सैया ही तो है ये जीवन, हिलर चलर में ही तो बीतता है। तुम कितने भी ज्यादा दौलते कमा लो लेकिन फिर भी संभावना रहेगी कल को तुम बर्बाद हो सकते हो, तबाहियां आ सकती हैं। तो जीवन डोर डावाडोल है, नाग से ज्यादा कौन डावाडोल हो, वो भी समुद्र का नाम। ये सिंबॉलिक कितना अच्छा है कि समुद्र में एक नाग डावाडोल, उसी में जो बैलेंस बनाना सीख गया वही जीवन को सीखा। और जीवन कितना भी तुम चाहे बुरा से बुरा हो चाहे अच्छे से अच्छा, उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। धन का मतलब नोट नहीं, काबिल वाला, ये तो दिखने की बात। लक्ष्मी का अर्थ
कागज के नोट नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है कि अपने अपने समय की सामर्थ्यता, वो चाहे एक समय खेती बाड़ी की होती हो, एक समय चाहे गाय भैंस की होती हो, चाहे आज के दौर में डॉलर की और क्रेडिट कार्ड की होती हो, वो सब चीजें लक्ष्मी का ही रूप है। तो वो इन तीन चीजों के साथ नजर आते हैं और यही सही है। आज इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि हम एक देवता का नाम लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति धन के देवता है, धन के देवता कहते हैं कि जिसका बृहस्पति मजबूत है उसकी 80% दिक्कतें बृहस्पति झेल लेता है। ये बात किसी ने मजाक में कही होगी, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। आज वैज्ञानिक प्रूफ है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंडों की बरसात ना हो, इसके लिए एक बृहस्पति ग्रह है जो पृथ्वी से 1200 गुना बड़ा है और वो इस पृथ्वी पे आने वाली उल्का पिंडों को 1000 में से 999 वो अपनी तरफ ही खींच लेता है। वो हमको बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए जीवन के जो सूचक हैं उसके साथ ये चीज अच्छी है। अब फिर एक आती है शंकर की बात। शंकर की साधना अघोरी साधना है, निशाचर हो जाने की कला है। वो अंधकार के साथ मैत्री कर रहे हैं और उस कंडीशन में शंकर के पास जो चीजें हैं, सांप से भय हो सकता है उस सांप को गले में डाले, शेर से भय हो सकता है उस शेर की खाल पे बैठे, ठंड से भय हो सकता है पहाड़ों पे भय हो सकता है, एकांत में भय हो सकता है, बस्तियों में सुरक्षा होती, विष्णु रहते तो बस्तियों में रहते, शंकर बस्तियों में नहीं रहते। उनके पास तो वही लोग रहेंगे कि जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं लग सकती वगैरह से। वो उनके साथ दिखाई जाती हैं, आज हम लोग नाटक देखते हैं, बड़ी अच्छी सी पार्वती दिखाई जाती हैं, बड़ा गहने हने पहने हुए। ऐसी कोई पार्वती थोड़ी ना होगी, गहने हने नहीं पहनती होंगी, ये हड्डियों का नरमुंडों वगैरह की माला पहन लेती होंगी। इसीलिए कभी कभी वो गुस्से में आती होंगी तो काली का रूप लेती थी, वो पहने तो वही माला होती होंगी। ये थोड़ी ना है कि जिस समय वो काली का रूप धरा उस समय जाके वो ड्रेस चेंज कर आती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बात थोड़ी समझ नहीं होगी, वो मृत्यु के तत्व की जिसने साधना की उसकी वाइफ ने यार, जिसने मृत्यु के तत्व को साध लिया शंकर, वो उसकी वाइफ है। और उसकी वाइफ है तो वो श्रृंगार क्या करेंगे? श्रृंगार पति को लुभाने की किया जाता, जो पति जिस साधना में है उसी से संबंधित तो श्रृंगार होगा। तो नरमुंडों की माला पहन लेती होंगी, वो थोड़ी सी हड्डियां की चूड़ियां उड़ियां बना लेती होंगी, कुछ इस टाइप की चीजें होती होंगी। हाँ, ये बात अलग की है जब उनका रौद्र रूप आता होगा तो वो रौद्र रूप इतना, कहते हैं कि पति कितना भी बलशाली हो, पेड़ है, पेड़ कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर एक लता उससे लिपट जाए तो लता उसे दो हाथ आगे निकल जाती। तो पार्वती जो थी वो शंकर से लिपट गई थी लता की तरह, इसीलिए जो शक्तियां उनमें थी वो तो थी, उन्होंने शंकर की शक्तियां भी ग्रहण कर ली थी। इसीलिए जब क्रोध आ जाता था और काली का रूप धर लेती थी तो शंकर को भी नहीं छोड़ती थी, शंकर भी उनसे भयभीत होते थे, उनको चुप कराना शंकर के बस की बात भी नहीं थी। तो ये जो कहानियों ने कहने की कोशिश की वो इस ढंग की बात है, लेकिन इसे तुम्हें भी समझना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि शिव साधना हो। अभी मैं देखता हूं एक शिव योग चल रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा मजबूरी में, मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बात तो अपनी कहूंगा। अब उसमें किसी को विरोध नजर आए कि सार्थकता नजर आए वो उसका अपना अपना काम। शिव योग वाले साधना कराते हैं, अभी एक शिव योग चल रहा है, वो भगवान शंकर का फोटो और अपने आप को पुजवा रहे हैं, लग्जरी में है वो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं गृहस्थी के साथ रहता हूं और बोलते अपने को अवधूत है। ये अवधूत संप्रदाय जो है ये कबीरपंथी, ये कबीर से रिलेटेड बात है। शंकर से रिलेटेड जो बात होती तो शंकर स्वयं की साधना में है, केवल शंकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कहने को पहले सन्यासी कहे जाएंगे इस पृथ्वी, पहले सन्यासी, क्योंकि दो ही तो तत्व तो आए थे तब,
पहला तत्व आए थे ब्रह्मा, दूसरा तत्व आए थे विष्णु, तीसरे शंकर थे। उन्होंने आरंभिक काल में ही जान लिया था व्यर्थता जीवन की और जीवन जीने की व्यर्थता आरंभिक काल में जान लिया और उसी वक्त संन्यास ले लिया था, छोड़ दिया था सब। और पहले सन्यासी होने के बाद भी तुम इतने गजब की बात देखो शंकर के अंदर, जो दुनिया के किसी भी इनलाइटेड व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती। वो भोले हैं, ऐसे भोले हैं कि वो किसी को कोई वरदान दे सकते हैं, उन्हें जीवन से ऐतराज नहीं है। तुम जीवन मांगने आओगे वो तुम्हें जीवन का वरदान दे देंगे, तुम सुंदरता का वरदान मांगो वो सुंदरता दे देंगे, उनके लिए सब व्यर्थता हो गई। उन्होंने सभी को लग्जरियां दी, रावण को शक्तियां दी, सबको सब कुछ दिया और खुद कुछ नहीं रखते थे। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की वो तो गजब की है, और वो ये कि शंकर एकमात्र ऐसे साधक हैं, पहले सन्यासी हैं, जिनके पूरे ग्रंथ में पूरी कहीं भी जो भी किताबें लिखी हैं, जबकि मैं किताबें पढ़ता नहीं लेकिन फिर भी कह रहा हूं, शंकर के व्यक्तित्व से परिचित होकर कह रहा हूं कि शंकर की किन्हीं भी किताबों में कहीं पे भी सन्यास जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई भी प्रक्रिया नहीं है सन्यास जैसी, कि सन्यास दिया जाना कैसे चाहिए, सन्यास लेना कैसे चाहिए, क्या कोई प्रक्रिया नहीं। और शंकर के मानने वाले सब इस प्रक्रिया में लिप्त हैं, शिव की साधना करा रहे हैं। शिव की साधना अगर करनी है तो पर एक ही चीज की हो सकती है, नमन। हमने नमस्कार सुना, हमने सब कुछ सुना, लेकिन हमने नमन नहीं सुना। नमन का अर्थ होता है कि जिसको हम पूज रहे हैं उसको ही हम आत्मसात कर रहे हैं, नमन। ये मेरी अपनी परिभाषा है, वो तुम्हारी किताबों में क्या है बाहर में गई, मेरी अपनी जो परिभाषा है मैं वो बोलूं। नमन का अर्थ है कि जिसको हम पूजते हैं उसको हम आत्मसात भी कर रहे हैं, हम वैसा होने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम शंकर को पूज नहीं रहे हैं, हम शंकर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात शिव को अंगूठा बनाती है, क्योंकि लगभग दुनिया के सभी लोग इसके बाद इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूं तुम वो मत हो, उसको पूजो मत, तुम वैसे हो जाओ। ओशो के सन्यासी बात जब मुझसे करते हैं, वो पूछते हैं आप ओशो के प्रेम में हो, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, नहीं मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। ये बात नमन है, ये बात नमन है, ये बात निरादर नहीं है, इसको निरादर ना समझा जाए। और ये नमन की कला शंकर ने दी है। शंकर ने किसी से अपनी आराधना नहीं चाही, लोग करते थे आराधना लेकिन वो जो आराधना करते थे उनके लिए भी बेचैन रहते थे, और ये बेचैनी उनकी सिद्ध करती है उनको भोलेनाथ होना, और ये बेचैनी सिद्ध करती है कि उन्हें किसी को पुजवाने का शौक नहीं था, बल्कि कोई बैठ जाता तो जल्दी से भाग के उसकी पूर्ति कर देते थे, तो बता भाई तुझे चाहिए क्या। तो अब ये ना तुम आज मत पूजने बैठ जाना कि अब शंकर जी आएंगे, वो मामला खत्म हो चुका बहुत पहले, ये भी कह दूं। वो तत्व तो आज भी है जिस तत्व को शिव तत्व कहा गया, वो व्यक्ति आज नहीं है। भूल असल में ये हुई कि इस पृथ्वी के पास एक ऐसा अखबार हाथ लग गया जिसपे डेट नहीं पड़ी थी और उस पे लिखा हुआ था शंकर के बारे में, और हमने उसे करंट का अखबार मान लिया और पढ़े पढ़े थोड़ा सा समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे बुद्ध को पूजने वाले अगर बुद्ध तत्व की बजाय बुद्ध को मानने लगे तो ये हिंसा होगी, फिर ये पदार्थवादी बात होगी। उसी तरीके से शंकर के मानने बजाय मानने वाले फोटुओं के लिए लड़े और शंकर के तत्व को ना अपनाए तो फिर गड़बड़ हो गई। तो शंकर का जो तत्व है वो मृत्यु से आत्म साक्षात्कार का तत्व है, मृत्यु से आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार के बाद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो इतने अभय रूप से जीवन जी सके।
अब आज का साधक कर ये रहा है, शंकर की आराधना करता है, विष्णु की तरह जाके व्यापार करने लग जाता है, और रात को बैठना सोने से पहले वो लेके ब्रह्मा जी की किताबें भी पढ़ने लगता है कि जगत का आरंभ कब हुआ, डिस्कवरी चैनल लगा के भी देखने लगता है कैसे सब प्लैनेट बने। ये तो उसकी हालत है। तो आज का युग जो है वो जानकारी पे इतना डिपेंड हो गया कि उसे लगता है कि उसने जान लिया, शब्द जान लिए तो सब जान लिया। और मैं ये कहता हूं कि जिस समोसे को देख के तुम्हें मजा आ रहा, उस समोसे को खाने का कितना मजा होगा जरा ये सोचो। उस समोसे को खाने का कितना मजा होगा जिसे खाने के लिए लोग जंगल चले जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, और ऐसे बाबाओं के पास जाकर तुम पूछते हो कि बाबा जी हमारा घर कैसे चले। मुझे तो एक बड़ी साफ बात लगती है कि जो व्यक्ति खुद अपना घर बार छोड़ के इन सब चीजों में पड़ गया, उससे तुम घर की नॉलेज लेने जाते हो ये बात ही गलत है। उसमें क्या नॉलेज देगा? उसके पास वो नॉलेज हो सकती है जो उसने जीवन में इंप्लीमेंट की। हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा चाहते हो कि थोड़ा घर भी चलता रहे, थोड़ा संन्यास भी चलता रहे, थोड़ा समाज भी चलता रहे, थोड़ा बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल जाए, तो वो बेहतर है। मेरे पास लोग जब फोन करते हैं और वो कहते हैं स्वामी जी मुझे आना है ध्यान के लिए, तो मैं कहता हूं तुम फिर जानते नहीं कि ध्यान क्या, तुम कैसे आओगे ध्यान के लिए? पहले मैं चुनाव करूंगा, मैं देखूंगा, समझूंगा, अगर वाकई पात्रता दिखेगी मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा तो मैं खुद ही रोक लूंगा। लेकिन कभी कोई फोन करता कि स्वामी जी बड़ा तकलीफ होती है, डिप्रेशन में चला गया हूं, बड़ा दिक्कतों में हूं, मैं आना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल आओ, इसका पेमेंट देना पड़ेगा। तो कहते हैं स्वामी जी ध्यान के पैसे? नहीं, ध्यान के पैसे नहीं, ये तुम्हारी इस चीज के पैसे हैं, और कृपा करके तुम कहना भी मत कि तुम ध्यान कर रहे हो, ये थेरेपी है भाई, इसे ध्यान ना कहे, मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट ओनली, मेडिटेशन को तमाशा मत बनाओ, तमाशे कोई तमाशा बना दो, या अगर मेडिटेशन का यूज करना है किसी के हित के लिए तो उसका नाम बदल दो थोड़ा सा, कोई दिक्कत है? मैं साफ कहता हूं कि जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आए और वो अलग तरीके की बात करें, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं परम की बात कर सकता हूं तो छोटी छोटी और बातें भी कर सकता हूं, लेकिन फिर उसके नाम अलग, उसकी उपाधियां अलग। अब हमसे लोग कहेंगे कि आप तो वर्णवादी बात कर रहे हो, ये तो भेद कर रहे हो। नहीं, भेद नहीं कर रहे, भेद तो इस जगत में करा हुआ है, परमात्मा भेद के पक्ष में है और मैं परमात्मा के पक्ष में हूं, और तुम्हारी पूरी व्यवस्था भेद के पक्ष में है, तुम भेद नहीं करते, तुम अपने शरीर के अंगों के साथ भेद नहीं करते, तुम पैर को जूते पहनाते हो, हाथ को तो नहीं पहनाते, तुम अपने ऑफिस में भेद नहीं देखते, एक मैनेजर है, एक चपरासी है, अरे सबको एक पद भी क्यों नहीं दे देते? तुम अपनी जातियों में भेद नहीं देखते? हिंदू में ही थोड़ी ना वर्ण व्यवस्था है, सब में वर्ण व्यवस्था है। तो कहना यह चाहता हूं कि अगर तुम शिव तत्व की बात कर रहे हो, जैसी मेरी आदत है मैं कम समय में बोलना चाहता हूं, मैं बड़ी लंबी कहानियां नहीं सुनाना चाहता, मुझे काव्यात्मक गीत गाने में कोई रुचि नहीं, मुझे सांख थोड़ा बेहतर लगता है कि जब शिव की बात हो तो सांख कितने होनी चाहिए। तो शिव तत्व की बात है तो शिव को जानना है तो मृत्यु तत्व से प्रेम करो, जीवन के प्रति इतनी मोहमाया क्यों? लेकिन बड़ा उल्टा नजर आता है, जो सबसे बड़ा फकीर हो जाता है उसके बड़े बड़े लोग मंदिर बना देते हैं, जो बहुत लग्जरी की तरफ भागता है उसे दुष्ट कह के दबाते हैं। बिल्कुल, ये तो जगत उल्टा ही चल रहा है यार, मैं कुछ कह नहीं सकता ज्यादा, लेकिन मेरा चाह ये है कि आप जिस चीज की साधना करें, जिस तत्व की साधना करें, उस तत्व को उसी गहराई से समर्पित होके नमन की साधना बनाएं, उसको अपने में आत्मसात करने की साधना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। पूजने उजने की साधना बहुत हो गई, आत्मसात कर लो। और हमारे यहाँ बचपन में हम दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे, भगवान प्रकट हुए, लोग उनसे आशीर्वाद मांग लेते थे, फिर एक कोई बड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने भगवान को मांग लिए, तो भगवान बोले तो फंस गए, हम ही को मांग लिया।
तो उस तरीके की चालाकी दिखाओ, भगवान से कुछ थोड़ा मांगने के बजाय भगवान को मांग लो, वो ज्यादा अच्छी बात है। और फिर वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत। तो यही मैं कहना चाहूंगा।